नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने लाइव पे यूट्यूब पे। और दोपहर को जो मैंने लाइव किया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें, वो शायद प्रोसेसिंग हो नहीं पाया। बहुत 40 मिनट का ऊपर हो गया था, शायद कुछ ऑफलाइन हो गया होगा या कुछ हो गया, इसलिए प्रॉब्लम की वजह से उसको डिलीट करना पड़ा। खैर, फिर से एक बार आपके सामने मैं लाइव पे हूँ और टॉपिक जैसे कि मैंने रखा है, कुछ डिस्कशन करेंगे कि नेल फंगस के लिए कौन सा मेडिसिन रहेगा। नेल फंगस के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था, तो कुछ जानकारी दे दूं नेल फंगस के बारे में। नेल ब्रिटल हो जाते हैं हाथों के या फिर पैरों के। नेल बहुत ही ब्रिटल हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, कुछ लोगों के मर जाते हैं, जो बोलते हैं ना नाखून मर गया है, उस तरह का ब्रिटल हो जाना। इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो जनरली आमतौर पर 30-35 साल के ऊपर या फिर 40 साल के ऊपर देखा जाता है। कुछ कुछ के तो कम उम्र में भी स्टार्ट हो जाता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो इस जैसे प्रॉब्लम को अगर हम नज़र रखें तो बहुत ही मतलब खराब लगता है, लोग देखते हैं तो खराब लगता है, नाखून किसी का बहुत ही खराब लगता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो इसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट इतना खास नहीं है, वो एंटीफंगल का जो ट्रीटमेंट होता है वही देते हैं, और एंटीफंगल वाला मेडिसिन भी इतना कारगर साबित नहीं होता। कुछ कुछ लोगों के लिए कारगर होता है, कुछ काम नहीं करता। तो फ्लुकोनाज़ोल आता है उनका, ऐसे कुछ एंटीफंगल देते हैं और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं कभी कभी, लेकिन उतना कारगर साबित नहीं होता। होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदाउट साइड इफेक्ट फंगल इन्फेक्शन, खूनों का जो फंगस होता है उसमें इतना बेहतरीन मेडिसिन मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है, बहुत ही बढ़िया। आप यूज़ करेंगे तो खुद जान जाएंगे, कुछ कम ही समय में, मिनिमम 15 दिन से 1 महीने में ये अच्छा हो जाता है। कई कई कुछ लोगों के होते हैं जिनका पूरा एज ज़्यादा हो गया हो, ज़्यादा नेल फंगस हो गया हो, ब्रिटल नेल हो गया हो, तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कम समय में ये हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का कम समय में अच्छा हो जाता है। तो दो बेहतरीन मेडिसिन है इसके। पहले तो आप एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन का बारे में देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं फ्लोरिक एसिड से। फ्लोरिक एसिड 30 पोटेंसी में और साइलिशिया 30 पोटेंसी में, दो ही मेडिसिन इसके स्पेसिफिक होते हैं, और दो दो बार आप दिन में दे सकते हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे। दो दो बार देने के बाद फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होता है वो बेसिलिनम 200 होता है। बेसिलिनम 200 मैंने हेयर के बारे में भी, फंगस के बारे में भी बोला था, लेकिन ये नेल के फंगस के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। बैसिलिनम 200 आप सुबह शुरुआती दौर में 1 या 2 डोज देकर फिर बंद कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए आप फ्लोरिक एसिड और साइलिशिया 30, दोनों कंटिन्यू कीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि फ्लोरिक एसिड और साइलिशिया का 200 आप एक एक डोज देकर फिर उसको छोड़ देना। तो फ्लोरिक एसिड 30, साइलिशिया 30 आपके लिए स्पेसिफिक होता है, जिनका भी नाखूनों का प्रॉब्लम रहता है तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, और आप उसको बिल्कुल दिन में दो दो बार करके दे सकते हैं। 4 से 5 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के 1 घंटे बाद भी दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है नाखूनों के फंगस के लिए, जो भी नेल ब्रिटल होता है, फ्लोरिक एसिड एंड साइलिशिया। और मैं वीडियो के नीचे ये दोनों मेडिसिन का नाम भी बता दूंगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं, और जो भी आपको सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ आप बिल्कुल मुझे मेल पे भी मुझे भेज सकते हैं। किसी का अगर नेल फंगल वाला कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल आप मुझे मेरे मेल पे भेज सकते हैं, मैं आपके मेल का जवाब दूंगा। और वैसे तो अभी व्हाट्सएप वाइबर दोनों बंद हो चुका है, क्योंकि कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, मैं लाइव नहीं कर पा रहा था उसके वजह से, तो मैंने सोचा कि उसमें बंद कर दूं। और अभी मेल चालू है, मेल में आप बिल्कुल मुझे भेज सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। कॉल बार बार आता था वाइबर में और व्हाट्सएप में, इसलिए बंद करना पड़ा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
लेकिन आपके लिए ये मुझे करना पड़ता है लाइफ के लिए, तो बिल्कुल आप मुझे जो भी प्रॉब्लम हो मेल पे भेजिए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। और जो दोपहर पर मैंने डोज वाला जो वीडियो किया था, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ, स्किप हो गया, तो उसके थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सिंगल डोज और मल्टीपल डोज के बारे में मैं कर रहा था वीडियो। सिंगल डोज अगर आपको लेना है तो एक्यूट रेमेडी में आपको मल्टीपल डोज ले सकते हैं। सिंगल डोज आपको क्रॉनिक कंडीशन में लेना है, जब वो मेडिसिन दवाई का असर जब आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा लगे, उसको टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना है। एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ, कोई भी कंडीशन अगर एक्यूट वाला हो तो आप एक मेडिसिन को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसको मल्टीपल डोजेस कहते हैं। अगर वो अच्छा हो जाए, थोड़ा रिलीफ मिले उसमें, तो आप उस मेडिसिन को हायर पोटेंसी में एक या दो डोजेस देकर बंद कर सकते हैं, एक या दो बार, तो उसको डोजेस कहते हैं, सिंगल डोज या फिर टू डोजेस कहते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें तो वो हट गया है। तो मैं छोटे से हिंट देकर आपको ये बंद करूँगा। तो सिंगल डोज यही होता है कि एक ही बार हम दे किसी भी डोज को, वो चाहे 3 ड्रॉप हो, 5 ड्रॉप हो, 10 ड्रॉप हो, एक ही बार लेने को सिंगल डोज कहते हैं। मल्टीपल टाइम्स जो लेते हैं उसको मल्टीपल डोज कहते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक, नेल ब्रिटलनेस के बारे में और फंगल इन्फेक्शन के बारे में। आपको सवालों के जवाब दे देते हैं। अटैक स्ट्रेटजी, हाउ आर यू? मैं फाइन हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। राहुल जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और बॉर्न फाइटर सर, एलोपेशिया एरियाटा बीएड में रुक नहीं नहीं रहा है, बीएड छटते ही जा रहे हैं, फॉस्फोरस 200 और एसिडोफोरस 30 ले रहा हूँ। बीएड में है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, एसिड फ्लोर फ्लोरिक एसिड और एसिड फोर के साथ फॉस्फोरस एक या दो डोज लेकर बंद कर दीजिए, और एक्सटर्नली लगाइए, एक्सटर्नली आप लगाइए, जो अर्निका और जबरंदी का मदर डेंजर होता है पानी में मिलाकर लगाइए, बिल्कुल कम होगा, ये होता है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, 4 से 5 महीने भी लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका नया बाल आना शुरू हो जाएगा। और राहुल जी बोल रहे हैं सर, कोल्ड और खांसी के लिए कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन है? देखिए, कोल्ड और खांसी ऐसी बात नहीं है, स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, आपका जो किस तरह से होता है, किस इंसान में होता है, यह आपको देखना पड़ता है, फिर उसके मुताबिक चयन होता है कि उसका मेडिसिन क्या हो। वैसे तो स्पेसिफिक आपका खांसी के लिए वो एकोनाइट काम करता है, अगर सर्दी के वजह से हो, और अगर घड़घड़ की आवाज़ आती है, लूज कफ होता है तो एंटीमटाड काम देता है, और ब्रेथलेसनेस के साथ खांसी होती है तो इपिका काम देता है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है। और कोल्ड सेंसेशन के लिए वैसे ही अलग है, मेरा इंग्लिश वाला वीडियो जो बनाया था प्लीज़ देख लीजिए, पूरा वाटरी डिस्चार्ज, नाक से पानी बहता है तो नेट्रोमेयर काम देता है, आर्सेनिक आयोड काम देता है, स्नेजिंग के साथ भी काम देता है, थोड़ा मोटा हो जाए तो पल्सेटिला काम देता है, काली सल्फ काम देता है, तो बहुत सारा मेडिसिन है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मेडिसिन है। ऐसी बात नहीं है कि पर्टिकुलरली एक एलोपैथी की तरह लेवोसेट्रिजिन जैसे उनका होता है, वैसे हमारा कोई मेडिसिन नहीं है, फैक्सोफेनाडिन लेवोसेट्रिजिन उनका होता है, किसी पर भी हो कैसे भी हो वो काम करता है, लेकिन हमारा वैसा नहीं है, हमारे अलग अलग इंसानों के ऊपर अलग अलग मेडिसिन होता है। तो बिल्कुल आप स्पेसिफिक तरीके से ये मेडिसिन दे सकते हैं और बहुत ही कारगर साबित होता है, रिपीटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्यूट केसेस होते हैं, जो मैंने डोज के बारे में बोला था कि आप वहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं, सर्दी हो, खांसी हो, इस तरह के केसेस के लिए आप रिपीट भी कर सकते हैं, और मदर टिंजर भी दे सकते हैं, डाइल्यूशन के अलावा मदर टिंजर भी आप दे सकते हैं। खांसी में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, जस्टिसिया और अरेलिया मिलाकर आप 20 बूंद करके 3 बार बूंद करके हर दो दो तीन तीन घंटे में दे सकते हैं, थोड़ा गुनगुने पानी में मिलाकर, तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड करता है, तो कैसे भी आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको देखना है कि एक्यूट कंडीशन में आपको रिपीट नहीं करना, एक्यूट कंडीशन में रिपीट कर सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में रिपीट नहीं करना। क्रॉनिक कंडीशन जब होता है तो आपका एक्यूट कंडीशन वाला रेमेडी का कॉम्प्लीमेंट्री चूज करना होता है, या फिर उसी मेडिसिन को हायर पोटेंसी में देना पड़ता है, जैसे कि आपका मतलब आपने लाइकोपोडियम गैस्ट्राइटिस के लिए लिया है 30 पोटेंसी में, फिर उसका जब क्रॉनिक कंडीशन आता है तो लाइकोपोडियम का 200 आप ले सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना, 2 से 3 डोजेस देकर बंद कर देना। वैसे बहुत सारे मेडिसिन का एग्जाम्पल है, आपका साइलिशिया भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है, फ्लोरिक एसिड भी आता है, एसिड फॉस भी आता है, वैसे बहुत सारे मेडिसिन है जिसे आप एक्यूट कंडीशन में रिपीट कर रहे हैं,
लेकिन जब उसका क्रॉनिक कंडीशन में उसको अप्लाई करना है तो हायर पोटेंसी में 2 से 3 डोजेस देकर बंद कर दीजिए। तो ये तो था आज का टॉपिक, और ये छोटी सी बात मैं डिस्कशन करने के लिए अभी लाइव पे आया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट में भी पूछा था कि नज़ल जो हमारा नेल का जो फंगस है उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। तो ब्रिटल नेल्स होता है, नेल की ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है दो स्पेसिफिक आपका मेडिसिन आता है, मैंने बताया वीडियो के शुरुआती दौर में, फ्लोरिक एसिड और सालिशिया। हाँ फाया जी, सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई भी दें। फाया जी आपका क्वेश्चन आया ही नहीं, यही फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है। आपका क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, आपका क्वेश्चन आया नहीं मुझे, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा पूछ लीजिए। और फ्लोरिक एसिड के बारे में मैं बोल रहा था, हर तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए, ब्रिटल नेल के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और एलोपेशिया एरियाडा का एक और एक बात है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एलोपेशिया एरियाडा 3 महीने से लेकर 3 साल तक लग जाता है, ये मैंने पहले भी कहा था। हाँ फाया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया है, जिन लोगों ने नहीं किया कर सकते हैं, जल्दी फटाफट कर सकते हैं लाइक, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका सवाल भी क्या है थोड़ा पूछ लीजिए फाया जी। तो एलोपेशिया के बारे में मैं पूछ रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं थ्रू आउट वर्ल्ड जिसको एलोपेशिया का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर दवाई नहीं है। होम्योपैथिक में ही ये अच्छा हो सकता है, लेकिन 3 महीने से लेकर 3 साल का ये वेरी करता है, ये इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट करता है। और सर इतनी खूबसूरत शाम है आपकी तरफ, हाँ बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैसेंजर पर आपने भेजा है, मैं देख लूँगा, अभी अभी लाइव ख़त्म होने के बाद मैं देख लूँगा और जवाब बिल्कुल दे दूँगा। और आसिफ इकबाल जी बोल रहे हैं, सलाम, आई हैव स्टमक प्रॉब्लम, कैन नॉट स्लीप ड्यू टू गैस कमिंग टू चेस्ट, फील चेयर एट द टाइम एंड द लेफ्ट लेग फील हॉट एंड कुड ब्लॉक ब्लॉडिंग ऑल्सो। तो सबसे पहले आसिफ जी आप एक काम कीजिए, एक मेडिसिन आता है असाफेटिडा करके, असाफेटिडा मदर टिंचर 20 बूंद को, मेडिसिन मदर टिंचर को 3 टाइम लीजिए, 1 कप या आधा कप पानी में मिलाकर 3 टाइम लीजिए, खाली पेट लीजिए, फटाफट आपका रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप लीजिए कार्बोवेज और लाइकोपोडियम, दो दो बार लीजिए, मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे। फिर धन्यवाद, नमस्कार।